चारों तरफ से अपने बुद्धि को हटाए और एक सेकंड में अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित हो जाए। मैं आत्मा हूं। इस देह की मालिक, इन कर्मेंद्रियों की अधिकारी मैं आत्मा हूं। देखे अपना स्वरूप भ्रुकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा। मैं शरीर नहीं, शरीर को चलाने वाली शक्ति हूं। मैं आत्मा सोचने की, निर्णय करने की शक्ति हूं। मन, बुद्धि और संस्कार की अधिकारी हूं। कई बार ऐसे होता है कि कोई कुछ कर देता है या कुछ कह देता है तो मेरा मन उदास हो जाता है। मुझे अंदर से फील होता है तो ये फीलिंग्स का संस्कार मुझ आत्मा के लिए जैसे फ्लू की बीमारी है जो मुझे फ्लाई करने नहीं देता। हल्केपन का, उड़ती कला का अनुभव नहीं करने देता। इसीलिए आज इस फीलिंग के संस्कार को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए अपने मन को शक्तिशाली बनाने के लिए एक सेकंड में उड़ चलते हैं परम धाम, अपने प्यारे शिव बाबा के सामने। सर्वशक्तिवान शिव बाबा मेरे सम्मुख है। सर्वशक्तियों की किरणें
बाबा मुझ पर बरसा रहा है। ये सर्व शक्तियां मुझ आत्मा में समाती जा रही है। महसूस करें वो शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा में समा रही है। मेरे अंदर की शक्तियों को जागृत कर रही है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। स्वीकार करें इस संकल्प को। सर्वशक्तिवान शिव बाबा की संतान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मैं बहुत शक्तिशाली हूं। मैं अपने मन का मालिक हूं। मेरा मन इतना कमजोर नहीं है कि कोई कुछ कह दे और मैं अपसेट हो जाऊं, दुखी हो जाऊं। नहीं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं। दूसरा कोई कुछ बोलता है, कुछ करता है, वो तो उसका संस्कार है। मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। लेकिन उसके वो बोल सुनकर या उसका कर्म देखकर क्या सोचना है? ये तो मेरे हाथ में है। मैं जानता हूं हर एक आत्मा अपने संस्कारों के परवश है। लेकिन मेरे तो ओरिजिनल संस्कार शांति, प्रेम, सुख के हैं।
मेरे मन की स्थिति को कोई भी हिला नहीं सकता। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं। बाबा से मिली हुई शक्तियों को देख रही हूं, अनुभव कर रही हूं। इन्हीं शक्तियों को अनुभव करते मैं देख सकता हूं पिछली बार जब कभी मुझे कोई बात फील हुई थी। उस परिस्थिति में मैं अभी क्लियरली समझ सकता हूं कि वो तो मेरा कमजोरी का संस्कार इमर्ज हुआ था। लेकिन मैं तो हूं ही मास्टर सर्वशक्तिवान। अब उसी परिस्थिति में मैं विजुलाइज कर सकता हूं कि दूसरे कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, मेरे मन की स्थिति अभी भी शक्तिशाली है। अगर कोई आत्मा मेरे भलाई के लिए मुझे करेक्ट भी करती है तो मैं दिल से उसका धन्यवाद देता हूं। और अगर कोई आत्मा मुझे बिना वजह कुछ क्रिटिसाइज भी करती है तो भी मेरी सहन शक्ति बढ़ाने के लिए मुझे अपनी शक्तियों की स्मृति दिलाने के लिए मैं उस आत्मा का भी दिल से धन्यवाद करता हूँ। बाबा से मिली हुई शक्तियों को स्मृति में रख मैं अनुभव कर रहा हूं कि मेरा ये फीलिंग में आने का संस्कार अब खत्म हो चुका है। मैं अत्यंत हल्का हूं, बहुत खुश हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं।
अब अपने मन को एकाग्र करें, इसे संकल्प में मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मैं विजयी रत्न हूं। मेरी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? बाबा से मिली हुई ये शक्तियां मेरे लिए विजय का तिलक है। और इसी विजय के तिलक के साथ अब मैं आत्मा साकार में लौट आती हूं। मैं फीलिंग्स में आने के संस्कार से अब मुक्त हूं। आज से मेरा ये फीलिंग्स में आने का संस्कार पूरी तरह से भस्म हो चुका है। अब चाहे कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, मैं उस आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखती हूं, क्योंकि यही मेरा ओरिजिनल संस्कार है। मैं सदा हर्षित हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मेरा सब कुछ अच्छे से अच्छा हो
हुआ ही पड़ा है। ओम शांति।